कुरुक्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के तहत गीता मैराथन का आयोजन किया गया। ब्रह्म सरोवर से शुरू हुई इस मैराथन में लगभग 1200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विजेता धावकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री ने कहा कि मैराथन में अन्य प्रदेशों से भी धावक शामिल हुए और इन युवाओं में खूब उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष कोरोना के चलते गीता जयंती महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, परंतु इस बार महोत्सव का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया जा रहा है। सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, हरियाणा के बाहर के खिलाड़ी भी इन्होंने यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया और विजेता भी हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में यहाँ के जो मैराथन होता है और गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रूप में। और मैं बहुत आभार करता हूँ जिन्हों भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, चाहे वो बॉयज़ थे चाहे वो गर्ल्स थे, तो बड़े नंबर्स पर यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए। 1200 के करीब एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है और बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इवन देन की MP UP बड़े दूर दूर से खिलाड़ी आए हैं और उन्होंने मतलब पोजीशन ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त की। इसमें फर्स्ट को 31,000, सेकंड को 21,000, थर्ड को 11,000, बाकी 4 से लेकर 10 पोजीशन तक के 2100 रुपये कैश अवार्ड दिया। मैराथन में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों ने कहा कि इस मैराथन का हिस्सा बनना उनके लिए यादगार अनुभव है। आगे बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी ऐसे ऐसे कंपटीशन होते रहे, बहुत ही अच्छा लगा हमें। गीता जयंती महोत्सव पे मैराथन किया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो कि है भेरिया स्पोर्ट्स स्टेडियम और हमारे अराउंड 40+ बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया।